लेकिन आपसे कहता हूं, अगर मेरे शहर के मस्जिद के अइम्मा उनसे कहता हूं, मेरे शहर के अहले दानिश उनसे कहता हूं, मेरे शहर के दौलतमंद उनसे कहता हूं, लोगों लोगों के मसाइल सुना करो, इसलिए कि जो लोगों के मसाइल सुनता है उसके लिए बशारत क्या है। अल्लाह के हबीब गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर जमीन के ऊपर किसी जन्नती की ज़ियारत करना है तो उस शख्स को देखो जिसके पास लोग अपने मसाइल लेकर पहुंच जाया करते हैं। मुसीबत में जो लोगों को याद आता हो चलो उसके दरवाजे पर, वो हमारा मसला सुनेगा और हल करेगा। अगर कोई ऐसा बंदा है समझ जाओ ये जमीन के ऊपर जन्नती है। टाइम ही नहीं है लोगों के पास, औलाद के मसले सुनने के लिए टाइम नहीं है, भाइयों के मसले सुनने के लिए टाइम नहीं है, बहनों लोगों के मसले कोई क्या सुनेगा। आओ यहां पर एक बात कहता हूं, शायद कह चुका इससे पहले लेकिन उन्वान की मुनासबत से कहता हूं, जिसकी कोई ना सुने ना उसकी भी सुना करो। हो सकता है तुम किसी की सुन लो और उसका दिल हल्का हो जाए तो कोई एक जान खुदकुशी से बच जाए। मैं समझता हूं कि जो लोग खुदकुशी करते हैं शायद उनकी कोई सुनता नहीं है, उनको कोई तसल्ली नहीं देता है, कोई उनको अपनाता नहीं है। जब वो समझते हैं कि हमारा कोई नहीं रह गया तो मौत का रास्ता इख्तियार करते हैं, हालांकि वो गलत करते हैं, हमेशा का जहन्नमी अज़ाब वो बोल लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम हैं। एक औरत एक लड़की अगर जुमा करने के लिए आ रही है और वो अपना हाल दिल अपने भाई को सुनाना चाहती, भाई तो फिल्म में गया, जुमा के दिन मेरे शहर वालों का 6 से 9 और 9 से 12 फिल्म में गुजरता है, अगर 6 से 9 जाएंगे तो फिर 9 से 12 या 1-2 बजे तक तो वो घर से बाहर होंगे। बहन आकर जब तक चली नहीं जाती ये जनाब घर आएंगे नहीं, सुनाएगी किसे। हफ्ते भर सब लोग काम में मसरूफ रहते हैं, कोई एक दिन तो आए कि सब भाई एक साथ बैठ करके मसाइल शेयर करें आपस में, मसाइल हल करें आपस में, एक दूसरे को नहीं हल कर सकते एक दूसरे को तसल्ली तो नहीं। बैठने का मिजाज खत्म हो गया है, एक साथ बैठने का मिजाज खत्म हो गया। ये वारदातें जो खुदकुशी की है उसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। सिर्फ उन लोगों को जहन्नम का अज़ाब नहीं होगा, समाज भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल है। मुझे बताओ ये जमात का इज्तिमाई निजाम जो अल्लाह के रसूल ने अता फरमाया कि 5 वक्त मस्जिद में आओ, जुमा के दिन मस्जिद में आओ, ईदेन के दिन ईदगाह पर आओ, ये क्यों है इज्तिमाई निजाम क्यों है? अगर मस्जिद में जमा नहीं हो रही है पूरी कौम, कम से कम हफ्ते में 1 मर्तबा घर के दस्तरखान पर तो जमा हो जाओ। जुमा की नमाज के बाद खाना तो एक साथ बैठ के खा लो और पूछो कि तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है, तेरे साथ मसाइल क्या है। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे कर लो बयान। इज्तिमाई निजाम को फिर वापस लाओ, ये मेरे आका ने क्यों फरमाया कि एक साथ बैठ करके खाओ, जितने हाथ होते हैं उतनी बरकतों का नुजूल होता है, जितने सर होते हैं उतना बरकतों का नुजूल होता है। एक साथ बैठ के खाने पर क्यों जोर दिया गया? अकेले खाएंगे तो भी पेट भरेगा, एक साथ खाएंगे तो भी पेट भरेगा, क्यों? इसलिए कि खाते खाते देखेंगे कि कोई लुकमा धीरे धीरे डाल रहा है तो दूसरा पूछेगा आज तेरा हाल क्यों बदला हुआ है, मसला सामने आएगा हल होगा। कोई किसकी सुनना ही नहीं चाहता। आओ मैं वो बात करने चला था कि हुजूर ने किस किस की सुनी। मेरे आका ने तो अपने अल्फाज के जामे में वो खूबसूरत सा वाकया, किसी की सुना करो बल्कि अगर कोई दुख में उसको तसल्ली दो। मेरे आका ले सलाम फरमाते हैं, अगर कोई किसी दुखी को सिर्फ तसल्ली देता है, बहुत खूबसूरत रिवायत याद आ गई, कोई दुखी हो अगर कोई उसको सिर्फ तसल्ली दे, मसला हल होने पर तो बहुत बड़ी बशारत है। सिर्फ तसल्ली दे किसी दुखी को, कोई दुख लेकर आए उसको तसल्ली दे, आका ले सलाम फरमाते अल्लाह उसके लिए जन्नत में सोने का महल तैयार करता है। दुखी लोगों को तसल्ली देने कोई आ गया, अरे हजरत मेरा कारोबार में नुकसान हो गया, अल्लाह से दुआ है अल्लाह तेरा नुकसान को खत्म कर, सबर कर, इससे अच्छा होगा हो जाएगा तेरा, हिम्मत मत हार, इससे अच्छा जन्नत में सोने का महल तैयार हो गया। इसको कहते हैं हिंग लगी ना फिटकरी रंग चोखा के चोखे, इससे सस्ती जन्नत और क्या चाहिए, इससे सस्ती जन्नत और। लेकिन कोई सुने तो यार, किसी के साथ कोई बैठ के सुने तो, सुनना ही नहीं चाहते, खुद ही बकबक करेंगे दूसरों को मौका ही नहीं दे, और देखें कोई मुंह उतार करके आया है तो फिर वहां से खिसकने की कोशिश करें।
दर्द भरी बातें अखबार में लिखना, माइक पे करना, महफिलों में करना, सियासी स्टेजों पे करना, ये एक अलग उनवान है। दर्द भरा कलम हो जाने की जरूरत नहीं है, दर्द भरी ज़बान हो जाने की जरूरत नहीं है, इस वक्त दर्द भरे दिल की जरूरत है। आज हमारे कलम में दर्द है, आज हमारी ज़बान में दर्द है, हमारे दिलों में दर्द कहां है? और जब तक के दिलों में दर्द नहीं होगा, गमगुसारी का जज्बा नहीं होगा, लोग इसी तरह फांसी के फंदे पर लटकते रहेंगे। ये होता रहेगा, जो हो रहा है इस पे हम काबू नहीं पा सकते, कोई सुनने वाला हो। इसीलिए आप देखें, अल्लाह के हर वली को देखें, वो अपने दौर में कभी आपको तहज्जुद गुजार मिले ना मिले, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कभी वो तहज्जुद गुजार मिले ना मिले, लेकिन वो लोगों के फरियाद रस आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए कि तहज्जुद उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जो लोगों की फरियाद रसी पहुंचाती। अल्लाह को हमारी दो रिकत की जरूरत क्या है, वो बेनियाज है, लेकिन कौम को हमारी जरूरत है। एक मरतबा मेरे आका अलैहिस्सलाम खिताब फरमा रहे, दौरान खिताब एक आवाज आती है, ए मोहम्मद रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे काम है, सच सच कहना, हुजूर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के हम गुलाम हैं, हैं? हुजूर के नालैन से लगे हुए जर्रात के भी हम गुलाम हैं, ठीक, लेकिन अगर हमें दौरान गुफ्तगू कोई कहते कि रुको मुझे आपसे कोई काम है, जनाब के चेहरे पे एक रंग आएगा, दूसरा रंग जाएगा, अभी तकदीर कर रहा हूं यार, अभी क्या काम लेकर आए हो, चुप रहो। हाल ये है, बल्कि बड़ी माजरत के साथ छोड़ दें, अभी क्या है अपनी बात का, वरना बहुत माजरत हो गई है। कहने वाले ने कहा रुको, अच्छा बात क्या है, ए मोहम्मद, सहाबा ऐसा लहजे में बात ही नहीं करते, ए मोहम्मद मुझे आपसे काम है, हुजूर ने गुफ्तगू रोक दी, कहा क्या काम है? दूसरी आवाज आई, वहां नहीं यहां आओ, यहां से बात कर, हुजूर ने महफिल छोड़ दी। तेरी आदत है सबका जी रखना, मेरे नबी ने महफिल छोड़ दी, हुजूर ने महफिल छोड़ी, सारे सहाबा ने महफिल छोड़ दी, जाने महफिल महफिल से उठ गए, महफिल खत्म हो गई। एक खूबसूरत जुमला सुन ले फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि मेरी तो आदत ही है ना, जब तक यार का जिक्र ना करूं मेरी रूह को ताजगी नहीं मिलती। तवज्जो आपकी, जाने महफिल ने महफिल छोड़, महफिल खत्म हो गई, क्या पता चला कि जाने महफिल महफिल छोड़ दे तो महफिल खत्म हो जाती है, जाने कायनात अगर कायनात छोड़ दे तो कायनात खत्म हो जाएगी। अगर कायनात अभी बाकी है तो इसका मतलब अभी तक जाने कायनात ने कायनात छोड़ी नहीं है, वो जिंदा है और कायनात में मौजूद है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। महफिल खत्म हो गई क्योंकि जाने महफिल ने जान महफिल छोड़ दी, लेकिन कायनात अभी बाकी है, मतलब जाने कायनात अभी कायनात में मौजूद है। अब अगर कोई कहता है कि मुझे दिखते नहीं, तो एक और खूबसूरत जुमला नजर कर देता हूं, हुजूर ने जिन पर कंकरियां या खाक फेंकी उनको हुजूर नहीं दिखते, फेंकी थी शबे हिजरत, फेंकी थी शबे हिजरत, और उस खाक का असर दुश्मनों के सर पर आज तक है, आज तक उनको नजर नहीं आ रहे हुजूर। वरना आशिकों का हाल तो ये है, जिधर नजर उठे जलवा यार हो, मेरे इमाम ने कहा मिट जाए ये खुदी तो वो जलवा कहां नहीं, अपने आप को मिटा फिर देख वो जलवा कहां है, तो दिख रहे हैं वो, लेकिन माथे की आंखों से नहीं, दिल की आंखों से देखना, कभी महसूस करना। बल्कि एक बात आपको कहूं, जब कोई अपनी ना सुना करे तो मायूस नहीं होना, ये नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है, वो नहीं, छोड़ यार फिर सबको छोड़, कोई नहीं सुन रहा है हमें, फिर किसी की हाजत भी नहीं। क्यों? मेरे आका ने जब जुल्फे रखी, हुजूर अलैहि सलाम ने अपने सर से बाल मुकम्मल तौर पे दो मर्तबा मुंडवाए, एक उमरा कजा के मौके पर और एक हज्जतुल वदा के मौके पे, फिर हुजूर की जुल्फे थी, जब कंग और हुजूर के जो बाल थे
वो हल्के से घुंघरियाले थे, न मुकम्मल सीधे, न मुकम्मल सीधे, न मुकम्मल गोल, दोनों ऐसे लगते हैं, एकदम सीधे भी ऐसे लगते हैं, किसी के हो तो वो नाराज ना हो, किसी के अगर हो तो ऐसा लगता है कि जैसे मुर्गे का पंख, और अगर मुकम्मल घुंघरियाले हो तो ऐसा लगता है कि जैसे उल्टे पैर का, उल्टे पर का मुर्गा, देख लेना आप, ऐसे लगते हैं। लेकिन हुजूर के बालों की खसूसियत ये थी, दरमियान में थी। अल्लाह ने हर चीज महबूब को बड़े एतदाल से दी थी, हल्के से घुंघरियाले, हल्के से सीधे, दोनों की मिलावट थी। तो जब हुजूर कंघी नहीं करते थे, ध्यान देना, जब हुजूर कंघी नहीं करते थे तो बाल कानों तक आते थे, कंघी नहीं करते थे तो बाल कहां तक आते थे, कानों तक, और जब कंघी हो जाती थी तो शानों तक आते थे, कभी कानों तक और कभी शानों तक। मेरे इश्क मोहब्बत का इमाम कानों और शानों को देख करके फैसला करता है कि कान तक कभी कभी इसलिए आ जाते हैं कि उम्मत को बताते हैं, कोई तुम्हारी सुने न सुने, ये कान तुम्हारी फरियाद को सुनने के लिए है, यहां आके सुनाया करो, कोई सुने ना सुने यहां आके सुनाया करो, और कोई तुम्हारा बोझ उठाए ना उठाए, जब कंघी होकर के शानों तक आते थे तो बाल कहते थे, कोई तुम्हारा बोझ उठाए ना उठाए, मुस्तफा के कंधे तुम्हारा बोझ उठाने के लिए काफी है। गोशे शाह कहते हैं फरियाद रसी को हम हैं, गोशे शाह कहते थे फरियाद रसी को हम हैं, वादे चश्म है बख्शाएंगे गिरिया होकर, और जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम उठे, जाने महफिल ने महफिल छोड़ दी, महफिल खत्म, सब सहाबा हुजूर के पीछे। हुजूर अलैहि सलाम ने देखा, वो एक औरत थी जो कहती थी यहां आओ सुनाएंगे, लेकिन हुजूर जैसे गए उसने हुजूर का हाथ मुबारक हाथ पकड़ लिया, हालांकि किसी औरत में हिम्मत न थी कि वह ऐसा करती। लिखने वालों ने लिखा है कहां तक उन्होंने इंसाफ किया, लेकिन लिखा है उन्होंने, उसने हाथ पकड़ लिया, साहबा को नागवार हुआ, और क्यों ना वो हाथ पकड़े, क्योंकि उस पर शरीयत का कोई कलम भी नहीं था। खैर से वो औरत पागल थी, मदीने की पागल थी, उसने हाथ पकड़ लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर के चलने लगी, और मदीने शरीफ की गलियों में लेकर इधर उधर फिरने लगी, और हुजूर उसके साथ साथ चलने लगे। गौर करें आप, अगर कलम में दर्द है, जबान में दर्द है, तो कत्ल हो रहे हैं, कूद रहे हैं, ये हो रहा है, जरा हम ना दिल दर्द मंद बनाए, कोई सुने भी तो लोगों की, कोई टाइम भी तो निकाले इन जानों को बचाने के लिए, हम भी कसूरवार हैं। अखबारात में जो वो ये दे करके हम उसके दर्द के साथ और हम उसके गम के साथ, काम नहीं होता। हम आपके दुख में बराबर के शरीक है, क्या बराबर के शरीक है, वहां तो मातम कटा बना हुआ है, और आप तो नाच गाने की महफिलें सजा रहे, कौन से बराबर के दुख में शरीक है, झूठ बोलते हो। जिन्हें दुख होता है फिर वो ऑर्केस्ट्रा की महफिलें थोड़ी करते हैं, जिन्हें दुख होता है फिर वो औरतों को बुला के मुशायरे थोड़ी करते हैं, क्या जनाब झूठ फसाद हो रहा है सब। फिर कहता हूं कलम और जबान के दर्द की जरूरत नहीं है, और ना कलम में दर्द होता है ना जबान में दर्द होता है, दर्द तो दिल में अंदर होता है, और ये ऊपर से नहीं मालूम होता, ये तो इसका अंदर से ताल्लुक है, और ये सिर्फ अल्लाह ने, मैं देख रहा हूं कि कुछ हीरो लोग भी बोल रहे हैं खुदकुशी पर। हम कहते हैं जनाब कहीं ना कहीं आप लोगों का भी इसमें असर है, आप अगर फिल्मों के अंदर खुदकुशी करना न सिखाते, ये भी फिल्मों का भी असर है, सीरियलों का भी असर है। बोली अच्छी बात है, लेकिन जरा कौम को कोई राह दीजिए, बोलने से काम नहीं, यहां तो सभी बोलते हैं, बोलने के लिए पैदा हुए बोलते हैं, कोई रास्ता भी तो बताओ। वो हाथ पकड़कर मेरे हुजूर को लेके चली, हुजूर चलते रहे उसके साथ, फिर एक मैदान में ला करके खड़ा कर दिया हुजूर अलैहिस्सलाम को, और फिर बोलती रही, हुजूर सुनते रहे, बोलती रही बोलती रही बोलती रही, एक रंग आता दूसरा रंग आता चेहरे साहबा के चेहरे पे आता जाता, बास तो सोचते कि अभी हुजूर हटे, इस बदबख्त को पता चले कि हुजूर को इतना सताने का अंजाम क्या है, इसकी पागलपन का इलाज कर देंगे अभी।
लेकिन जब वो जाने लगी तो हुजूर का एक जुमला सुन करके सबके जज्बात सर्द पड़ गए। जब वो जा रही थी तो मेरे आका ने मुस्कुरा के कहा, जब पूरे मदीने में कोई तेरी फरियाद ना सुना करे तो तुम मेरे पास आ जाया कर, मैं तेरी सुना करूंगा। और जब वो चली गई, जब वो चली गई तो साहबा ने कहा, हुजूर वो पागल थी। हुजूर फरमाते, जानता हूं, लेकिन जिसकी कोई नहीं सुनता अगर मैं भी नहीं सुनूंगा तो ये सुनाने के लिए फरियाद जाएंगे कहां। ये तो पागल औरत थी, ऊंट भी पागल हो जाए तो वो हुजूर से फरियाद करते, और हुजूर पागल ऊंटों की फरियाद भी सुना करते थे। लोगों को सुनो, लोगों को सुनो। गुफ्तगू का इख्तिताम करते हुए अर्ज कर रहा हूं, अच्छे दोस्त तो बनाओ, जो मैंने अर्ज किया।